तुम अपनी सोच को समुद्र की तरह गहरा और शांत रखो, क्योंकि अपनी सोच किसी और के हिसाब से बदलना कभी भी सही नहीं होता। और तुम्हारी सोच तो वैसे भी सबसे अलग है। तब तुम अपनी सोच को किसी के लिए मत बदलो। तुम अपने आसपास जल्दी ही एक बड़ा परिवर्तन लाने वाले हो, और वह परिवर्तन सकारात्मक भी है और बहुत लोगों के भले के लिए भी है। और जो लोग तुम्हारे बारे में एक सोच बनाकर बैठे हैं कि तुम कुछ कर नहीं सकते हो, तुम हमेशा बिना मकसद के रहोगे, मैं उनको साबित करना चाहता हूँ कि ना तो तुम बिना मकसद के हो और ना ही तुम फालतू हो। तुम मेरे मकसद के लिए आए हो, और जब कोई काम बड़ा होता है तो उसमें वक्त तो लगता है, और तुम्हारा हर काम बहुत साफ है और तुम्हारी नीयत भी साफ है। अब तो जो लोग तुम्हें देखकर किनारा काट लेते थे, तुमसे दूर भागते थे, कहीं उन्हें तुमसे मिलना ना पड़ जाए, कहीं तुम्हें उनकी ज़रूरत ना पड़ जाए, कहीं लोगों को अपनी पहचान ना बतानी पड़ जाए, वहीं पर अब वक्त ऐसा आएगा कि सब लोग तुम्हारे ऊपर गर्व महसूस करेंगे। और वैसे भी जब तुम्हारे पास मैं हूँ तो तुम्हें ऐसे लोगों की ज़रूरत ही क्या है। उन लोगों के दिल पर लेने की ज़रूरत ही नहीं है, उन लोगों की बातों को दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब समझे, क्योंकि जो लोग मतलब के रिश्ते बनाते हैं उन मतलब के रिश्तों से हमेशा दूर रहो। अब तुम्हें किसी के आगे लाचार होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ प्यार वाले और अपनेपन वाले रिश्ते ही तुम्हारे सामने आएंगे, तुम्हारे पास आएंगे। मतलब के लोगों से मैं तुम्हें वैसे भी बहुत दूर रखूँगा। अगर तुम्हें कभी भी कुछ भी चाहिए तो सिर्फ मुझसे कहो, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। जब जब तुम कुछ भी उम्मीद करोगे, तुम कुछ भी मांगोगे, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मैं तुम्हें नहीं दूंगा, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो तुम मुझसे मांगो और मैं उसको पूरा नहीं करूँगा। मैं उसको पूरा करूँगा, पर तुम किसी और से उम्मीद लगा कर मत बैठना। किसी और के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सब कुछ देख लूँगा, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, तुम बस खुश रहो। और अभी के लिए शुभ रात्रि मेरे बच्चे।